اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون अल्लाह के नाम से जो बेानतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है तुमने देखा उस शख़्स को जो आखिरत की सज़ा को झुटलाता है वही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मिसकीन का खाना देने पर उकसाता नहीं फिर तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं जो रियाकारी करते हैं

सूरतलकौसर अल्लाह के नाम से जो बेानतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है ए नबी हमने तुम्ही कौसर अता कर दिया बस तुम अपने रब ही के लिए नमाज पढ़ो और क़ुरबानी करो तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा है अल्लमकुम वरहल वबरक बसमदिल्ला सल्लम अल रसोल्ला वाली व साहबी व मऊला व बैट व तबारक أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون أزيز دوستو باريساتيو مابهن الخواتين إسلام سهريك مبارك وقت هو تحتاه اور أرحم इस मौके पर अल्लाह के इस कलाम को सुनने के लिए जमा हुए हैं अजीज दोस्तों ये जो सिलसिला रमज़ान के आगाज़ से चल रहा है इस इसमें हमने जुज़ अम की तफसीर व तशरीह सुनाने की सोची थी और उसकी कोशिश में लगे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अब तक इस जुज़् की कई सूरतों को सुन चुके हैं तो इस सिलसिले में आज जो सूरत हमारे साथ है वो है सूरतमा और ये सूरत मौजू के अतबार से इसके अंदर जो कंटेंट है उसे आप जोड़ कर देखेंगे तो ये मक्की सूरत है चलिए इस सूरत का आगाज़ करते हैं बिसमनिम और नबी वसल्लम मुझे आप ख़बर दीजिए उस आदमी के ताल्लुक से जो दीन की तकजीब करता है दीन को झुटलाता है यहाँ पर अज़ीज़ दोस्तों क़ुरान में जहाँ कहीं भी अगर अराइ राएत, अराइ तुम का ये जो लफ्ज़ आप देखेंगे इसका असल माना है क्या तुमने नहीं देखा लेकिन मुफसरिन ने यहाँ पर इसकी तफसीर में कहा है कि इसे माना ये कि अखबिरनी मुझे बताओ और आयता माना अखबिर नहीं यानी मुझे बताओ यानी अभी मुझे बताओ कि जो आदमी दीन को झुटलाता है फजा अली कल ये थी वही है जो यतीमों पर जुल्म करता है यतीमों को धक्के देता है यहाँ पर अजीज दोस्तों गौर करने की बात यह है कि जो दीन को झुटलाते हैं वही ताते हैं यानी इस नाही से इन दोनों में एक लगाव पैदा कर दिया गया है कि दीन को झुठलाना एक बदतरीन अमल है जब आदमी ऐसे बदतरीन अमल पर उतर आता है तो वो और बदतरीन अमल करने में अपने आप को मुलस पाता है ठीक है दीन का उसने इनकार कर दिया तो इसका रिज़ल्ट यह हुआ कि ये यमों ये पर जुल्म करता है तो अल्लाह इन दोनों चीज़ों को जोड़ कर रखा है यानी ये ये यतीमों पर जुल्म करने की वजह का आगाज दीन के झुटलाने की वजह से फजा वही है जो यतीमों पर जुल्म करता है और यतीमों को धक्के देता है द आदा द आद द आदो द आद का माना है जुल्म करना और एक माना इसका आता है धक्के मार के ढकलना यो मिला नारी जहनम जब उन्हें जहन्नम की तरफ धक्के माल कर ढकेला जाएगा तो ये जो दिन का छुटलाने वाला है इसने ये टीमों पर भी जुल्म किया है इसने ये टीमों को अपने जुल्म का हदफ बनाया और साथ साथ ये टीमों को धक्के दिए। तो दोस्तों हम इस जुज्वे में सुरत-ul-फजर और दूसरी एक सूरत में हमने देखा कि मक्की सूरत है लेकिन ये टीमों के साथ सूरतियाम सूरतुल सूरतलबल और सूरतुल दूसरी सूरत पे हमने ये देखा कि जहाँ पर तीन सूरत ए सूरत तीन सूरतों में ये टीमों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म हुआ है खिलाने का मक्की सूरत है आमतौर पर यह मौजू मक्की सूरत का नहीं है लेकिन उसके बावजूद अच्छे आमाल की तरफ निशानदही और मश्रकिन के पास जो बदतरीन अमल रहा उसके तरफ निशानदही यानी ये मशरकिन जो शिरक करते थे खफुर करते थे उसके साथ साथ ये बुरे अमल भी उनके पास मौजूद थे तो अहिल को यह कहा गया कि तुम जब तोहहीद पर आ गए हो अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दिए हो महमदल्ला की पैरवी ने तुम शुरू कर तुमने शुरू कर दी है तो ऐसी सूरत में तुम्हारे पास अच्छे अखलाक होने चाहिए ये टीमों का ख्याल रखना मस्किनों का ख़्याल रखना भूखों मजबूरों पर अल्लाह के लिए खर्च करना ये बहुत बड़ा अमल है बहुत बड़ी इबादत है ये इबादत उन्हीं लोगों से मुमकिन है जो अल्लाह की इबादत करते हैं तो ये मौजू को मक्के के अंदर अजीज दोस्तों ख़ास तौर पर उजागर किया गया है ना कि सिर्फ़ तोहिद की बात ना कि सिर्फ़ यौम्यामत के ईमान की, की बात बल्कि जब तुम अल्लाह के अल्लाह पर ईमान ला चुके हो यमियामत पर ईमान ला चुके हो तो तुम्हारे आमाल भी दुरुस्त होने चाहिए तुम्हारे अंदर यतीमों पर जुल्म और धक्के देना ये चीज़ नहीं होनी चाहिए अब जो करते हैं वो काफ़िर हैं जो ये काम करते हैं वो काफिर हैं तुम अच्छे लोग ये काम नहीं कर सकते फजादीम यतीम यतीम का क्या माना आजीज़ दोस्तों? यतीम का माना ये है कि वो लड़का या फिर लड़की जो बालग नहीं हुए हैं अभी अभी वो बलोगत को नहीं पहुँचे हैं उससे पहले उन्होंने अपने वालिद को खो दिया उनके वालिद गुजर गए तो ऐसे बच्चों को यतीम कहते हैं अगर कोई लड़का भुलुगत को पहुंच गया या फिर कोई लड़की भुलुगत को पहुंच गई तो यतीम नहीं रहती वो लोग आमतौर पर बड़े बड़े लोगों के यतीम समझते हैं बड़ी उम्र के लोगों को नहीं यतीम सिर्फ वो हैं जो बालिग होने से पहले बालिग होने के बाद कोई यतीम होता नहीं है तो ये टीम इसको समझ लें और जिसकी सिर्फ वालिदा फ़ौत हुई है उसे कहते हैं लतीम और जिसके दोनों फ़ौत हो जाएं उसे कहते हैं अजी तो इस एतबार से यतीम यहाँ पर वो बच्चे जो बालग नहीं हुए जो हमारे रहम कर्म के मोहताज हैं उनके साथ ये ालफर जो दिन को झुटलाते हैं उनका ये सुलूक है धक्के देते हैं जुल्म करते हैं उन पर यहदाला मस्किन अच्छा ना कि सिर्फ ये बल्कि मस्किनों को खिलाना ये ये चीज़ है ही नहीं इन लोगों के पास वाला कहते हैं उभारना ये वो नहीं हैं जो मस्किनों को खिलाने पर उभारते हैं खुद तो नहीं करते और दूसरों को भी ये करने का हुक्म नहीं देते बल्कि दूसरे जब करते हैं तो उनके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं तो ना ये का ख्याल करते हैं और जो लोग यीमों को मस्किनों को मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं उन्हें ये अच्छी तरीके से उन्हें इंकरेज नहीं करते बल्कि उनके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं ये माना इसका तो यीमों के साथ अच्छा सलूक और मस्किनों के साथ अच्छा सलूक ये ईमान की ज़बरदस्त निशानी इस एतबार से हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोग दीन पर अमल करते हैं उनके पास ये दो चीज़ें कम अज़ कम होनी चाहिए ये टीमों का अच्छा ख़्याल और मस्किनों पर अल्लाह के लिए दिल खोल कर खर्च करना ये दो चीज़ें हैं तो बहुत ही अहम है इसलिए ये दो चीज़ों को इस छोटी सूरत में उसका ज़िक्र हुआ है फ़ौाई मुसल्लीन और उसके बाद अब एक दूसरे मौजू की तरफ मुसल्लीन नमाज़ पढ़ने वालों के लिए बर्बादी है नमाज़ पढ़ने वालों के लिए ये बर्बादी है ये क्या मसला है नमाज़ पढ़ने वालों के लिए बर्बादी है आगे पढ़िए फ़ाईलमसलिन नमाज़ पढ़ने वालों के लिए बर्बादी है हैमसाहन हाँ वो नमाज़ पढ़ने वाले जो नमाज की अदायगी में तख़िर करते हैं इसमें दो तीन लोग आ सकते हैं पहले वो लोग जो नमाज का वक्त आ गया है गैर ज़रूरी ताख़र करते हैं ताख़र करके पढ़ते हैं यानी पढ़ने का दिल नहीं लेकिन मजबूरी है पढ़ रहे हैं ताख़िर करके पढ़ रहे हैं जो नमाज पढ़ना चाहता है इसके अंदर जो बेकरारी है वो जैसे ही वक्त आए नमाज़ पढ़ लेगा लेकिन जो ऐसा नहीं है नमाज की ताखीर करने की कोशिश करेगा ये अपने अंदर आलसीपन पैदा करके नमाज मजबूरी से पढ़ेगा एक अच्छा ये पढ़ने वाला कमज़ोर ईमान वाला भी हो सकता है और मुनाफिक भी हो सकता है मुनाफीन नबी अलैहि वसल्लम के ज़माने में नमाज़ पढ़ा करते थे लेकिन दिल से नहीं दिल से नमाज़ नहीं पढ़ते थे क्योंकि एक एक रिवाज हो गया था उनकी नज़र में तो सब पढ़ रहे हैं तो ये भी पढ़ा करते थे तो वो भी इसमें शामिल हैं और वो लोग भी शामिल हैं जो लोग नमाज को सरे से उन्होंने छोड़ ही दिया सरे से तर्क कर दिया नमाज ही पढ़ते नहीं तो ये तीनों के तीन लोग दाखिल हैं इसके अंदर जिनके ताल्लुक से कहा गया कि ऐसे किस्म के नमाज़ पढ़ने वालों के लिए बर्बादी है यानी जो दिल से नमाज़ नहीं पढ़ते उनका नमाज़ पढ़ना कोई फ़ायदा नहीं जो ताख़ीर करके नमाज़ पढ़ते हैं वो लोग ख़तरे में हैं अब जो लोग बिल्कुल नमाज ही नहीं पढ़ते कभी कभार पढ़ते हैं ये भी ख़तरनाक मसले में अटके हुए हैं तो अजीज़ दोस्तों नमाज ये दीन का हिस्सा है देखिए मक्की सूरत है उस दौर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा करते थे ये जो नमाज़ पढ़ना है ये उस ज़माने से है और नमाज छोड़ना ये कुफ्र और निफाक की निशानी है अलहमदिल्लाधी बेनबे तरक नबी सासम कहते हैं हमारे दरमियान और दूसरे कौम वालों के दरमियान फ़र्क सिर्फ यह है कि नमाज छोड़ना वो लोग नमाज छोड़ते हैं हम लोग नमाज नहीं छोड़ते मन तर का सलाहतर मुद्दत कफ़र आप सासम कहते हैं जिसने जानते बोझे नमाज़ छोड़ी वो तो कुफर उसने कर दिया है तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो लोग बेनमाजी हैं इनके तल्लु से यहाँ तक ने लिखा है कि ऐसे लोगों को मुसलमानों के कब्रस्तान में दफ़र नहीं करना चाहिए हाँ उन्होंने मुसलमान का नाम रखे इस्लामी माशरे में उन्होंने ज़िंदगी गुजार ली लेकिन इन्हें मरने के बाद मुसलमानों जैसा इनके साथ सलूक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नमाज़ के छोड़ने वाले थे मुझे बड़ा ताजुब हुआ एक फ़कीह को मैं पढ़ रहा था वो फ़कीह बहुत बड़े आलिम थे चार सौ सौ साल पहले उनकी किताब में वो लिखते हैं कि उन लोगों के तल्ल से लिखते हैं जो नमाज छोड़ते हैं वो कहते हैं कि जो लोग नमाज़ छोड़ते हैं वो काफ़िर हैं या नहीं है इस एक मसला था तो कहते हैं कि ये मसले में हमको गुफ्तु करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऐसे लोग हमारे पास है ही नहीं सुबह अल्लाह यानी उस ज़माने में कहते हैं कि नमाज़ छोड़ने वाले हमारे माशरे में है ही नहीं तो फिर गैर ज़रूरी गुफ्तुगो क्यों करें अगर वो हमारे ज़माने में हो तो मामला क्या होगा तस्वर तो करें दोस्तों तो नमाज़ी जो है वही मुसलमान है जो बेनमाज़ी है नमाज छोड़ता है इसे मुसलमान नहीं माना जाएगा जहा जिहाद के मैदान में नमाज़ है लड़ाई के मैदान में नमाज़ है बीमार हैं तो नमाज़ है नमाज छोड़ना ये तसुर हमारी शरीयत में नहीं है इसे अच्छी तरीके से हमको समझ लेना चाहिए जो लोग नमाज छोड़ते हैं रमज़ान का बेहतरीन मौका है तौबा कर लें अपने अंदर नमाज की पाबंदी ला लें इसमें कितने सारे फ़ायदे हैं अनगिनत फ़ायदे हैं नमाज़ों में तफसील में जाने का मौका नहीं तो अजीज दोस्तों तो अल्दीनसलातिम साहुन साहून कहते हैं गफलत में पड़े रहना है ना साहून उस आदमी को साही उस आदमी को भी कहते हैं जो किसी मामले को बड़ी जो है संगीनी से नहीं लेता सीरियस नहीं लेता बल्कि वो इसे जो है ऐसे ही टाल मटोल करते रहता है आगे कल परसों एक करते रहता है नमाज नहीं पढ़ता अल्लदीन सलाती हिम साहून जो नमाज के मामले में गफलत बरतते हैं अल्दीन हम यून हाँ इसमें मुनाफिकीन दाखिल हो गए हाँ बाज़ ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन दिखावे के लिए यूरा रा आरा ई कहते हैं दिखाने को दिखावा करने के लिए मुसलमानों के दरमियान आते हैं अपने आप को नमाजी बताने के लिए दिखावा करने के लिए नमाज पढ़ते हैं तो ऐसा दिखावा करने से कुछ फ़ायदा है ही नहीं उल्टा नुकसान है इसीलिए मुनाफिक काफिर हैं इन मुनाफिक अफिदर किलिमिनार फलन तजद ना ये जो मुनाफिक है जहन्नम के निचले गड्ढे में होंगे उनके लिए उस दिन कोई मददगार नहीं होगा क्योंकि वो जहन्नमी होंगे कुफुर की वजह से तो ये जो नमाज़ पढ़कर दिखावा करने की कोशिश करना अजीज़ों से बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है इसे परहेज़ करना चाहिए जिनके दिल में निफाक रच बस गया वो ऐसी हरकत करते हैं अब जो मोमिन हैं वो अपनी इबादतों को छुपाते हैं अपनी नेकियों को छुपाते हैं क्योंकि उन्हें इस बात से इस बात का ख़दा होता है कि कहीं इनकी इबादत रद्द नहीं कर दी जाए सिवाय इस, इस वजह से कि इन्होंने इसमें दिखावा करने की कोशिश की तो दिखावा करना एक ख़तरनाक चीज़ है इसे रियाकारी जिसे कहते हैं वही है रियाकारी एक कुफुर की निशानी है लेकिन वक़्त होता यह है कि मोमिन है आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो कभी कभार दिल में शैतान के ऐसे वसवसे आते हैं तो ऐसे वसवसों के खिलाफ लड़ना चाहिए और पूरे इनहमा के साथ पूरे कॉन्सन्ट्रेशन के साथ नमाज अदा करने की कोशिश करनी चाहिए तो ये वसवसों की वजह से इबादत छोड़ना नहीं आप इबादत करने जा रहे हैं आप देखेंगे लोग आपको देख रहे हैं तो उधर इबादत छोड़ना ठीक नहीं है उधर आपको इबादत करना चाहिए इबादत करने के साथ साथ अपने नफ्स के साथ लड़ना ज़रूरी है अपनी इबादत के अंदर खलूस पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए अलजीन हम यऊन वयम नमाय और ये दिखावा करते हैं और ये जो हैं जो नमाज छोड़ते हैं जिनके औसाफ हैं ये ऐसे भी हैं जो मायून कहते हैं रोज़मर्रा की इस्तेमाल करदा चीज़ों को ऐसी चीज़ें जिसे रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं जैसे गिलास हो गया रिकाबी हो गई दस्तर हो गया और उसके बाद थाली हो गई दूसरे जो है चम्मच ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती हैं इन चीज़ों को माऊम कहते हैं आज भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल में है अरबों के पास कलोकियल में आज भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मवाइन यानी ऐसी चीज़ें जिसे रोज़मर्रा इसेंशियल्स जिसे कहा जाता है जिसके इस्तेमाल के लिए आदमी हमेशा उसका मोहताज होता है तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ऐसी चीज़ों को भी ये नहीं देते थे यानी ऐसी अहम चीज़ें इन चीज़ों को भी नहीं देते थे अगर कोई आदमी मोहताज आके इनसे मांगे तो एक ऐसी चीज़ भी देकर मदद करने के लिए इनके अंदर तैयारी नहीं थी एक माना और एक माना वदिन का मरा माना ये माउन को बाजह इधर जकवात भी लिया है ये लोग वो हैं जो जक़ुत भी अदा नहीं करते खर्च भी नहीं करते यानी मुसलमानों की बात हो रही है जिन पर ज़क़त वाजिब है लेकिन जकवात नहीं देते वो भी इसमें दाखिल हैं तो अजीज़ दोस्तों सूरत के अंदर काफिर और मुसलमान दोनों को जोड़ा गया दोनों के अंदर जो बुराइयाँ हैं उन बुराइयों को दूर करने की इसमें नसीहत हुई है पहले काफिर के तल्ल से कहा गया कि ये टीमों को धुतकारने वाले और उसके बाद मस्किनों को नहीं खिलाने वाले फिर मोमिन की बात हुई उनमें से जो नमाजी हैं और मुनाफिन भी इसमें दाखिल हो गए तो नमाज के अंदर वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं और उसके बाद दिखावा करने की कोशिश करते हैं और जो जकवात है बुनियादी चीज़ नमाज के बाद वो भी अदा नहीं करते तो इस एतबार से दोनों को इस सूरत में जोड़ा गया है तो ये बहुत ही एक अहम सूरत छोटी सूरत लेकिन जिसे हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं माना जानना ज़रूरी था इसलिए हमने आपके सामने इसकी तशरी व तफसर बयान की अब चलिए एक दूसरी सूरत की तरफ आगे बढ़ते हैं ये सूरत है सूरतलकूसर बसमिल्ल कौसर कहते हैं अजीज दोस्तों बहुत ज़्यादा ई भी चीज़ इसी से लफ्ज कसीर निकला कसीर कहते हैं ज्यादा कौसर यानी कुशादा फैला हुआ बहुत ज्यादा तो यहाँ पर कौसर से मुराद नहर कोसर है जो जन्नत की एक नदी है जिसे कौसर कहते हैं वो नदी मुराद है ये जो जन्नत के अंदर जो नदी है कोसर जिसे कहा जाता है ये नदी आकर ये असल में जन्नत में है यह नदी बहती हुई एक चश्मे की सूरत इख्तियार करती है जहाँ से वो फिर बहती है तो इस चश्मे को भी कौसर कहते हैं इस चश्मे को भी कौसर कहते हैं और यही कौसर का पानी जिसे वसल्लम क़ियामत के दिन मोमिन को अपने इत्तबा करने वालों को पिलाएँगे एक नहर जो जन्तलफरदों से गिरती है बहती है चश्मे का शक्ल इख्तियार करती है फिर वहाँ से फिर बहती है ये जो चश्मा है जो बनता है इसी को हौद कौसर कहते हैं इसी को हौद कौसर कहते हैं तो नहर भी है हौद भी है नदी भी है कुआं भी है तो इसमें ये जो कौसर है इसका पानी इसके ताल्लुक से हम सुन चुके हैं कई मरतबा सुनते हैं कि ये ये जो है शहद से ज़्यादा मीठा साफ शफाफ इंतहा मज़ेदार और एक मरतबा इससे आदमी पानी पी ले कभी फिर प्यास नहीं लगेगी और महमद रसोल्ला वसम क़ियामत के दिन इसमें से प्यालियों में से पानी उठाकर अपने इत करने वाले मुसलमानों को पिलाएंगे और उस वक्त बाज़ लोग लाए जाएंगे उन्हें ये पानी नहीं पीने दिया जाएगा वो आ जाएंगे कुएं के पास तक पहुंच जाएंगे चश्मे के पास तो पहुंच जाएंगे मुसलमान होने के नाते लेकिन जब उन्हें पिलाने की बात आएगी फरिश्ते उन्हें धक्का देकर पीछे हिटाएंगे इस वजह से कि ये लोग नबी अलैहि वसल्लम के जाने के बाद इन्होंने बिदातों को ईजाद किया था आप सौसलम उनसे पूछेंगे फरिश्तों से कि क्या कर रहे हो क्यों इन्हें धक्का दे रहे हो ये तो मेरी उम्मत वाले हैं तो फरिश्ते कहेंगे कि इ नकल तदरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नहीं मालूम आपके जाने के बाद इन लोगों ने दीन के नाम से क्या कुछ ईजाद नहीं कर दिया इसलिए हम इन्हें धक्के दे के पीछे धकेल रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे सुहकन सुहका अगर ऐसी बात है तो इन्हें दूर लेकर जाओ हम इनसे मिलना नहीं चाहते तो ये वो हैं उलमा ने कहा तो श्री ने कहा कि ये वो लोग हैं जो नबी सल्लम के जाने के बाद बदआत में अपने आप को मुलवस कर दिया था उन्हें इस कोसर के पानी से महरूम कर दिया जाएगा तो अज़ीज़ दोस्तों ये जो ख़ास चश्मा है ये कोसर का जो पानी गिर के चश्मा बनता है जिसके जो है आसमान के तारे जितने हैं उतनी इसकी प्यालियाँ होंगी और इसका जो नीचे का हिस्सा होगा नदी का वो जो है पर्ल्स का होगा उसमें जो है लू लू और दूसरे कीमती पत्थरों को नीचे डालकर इस चश्मे को सजाया गया होगा बेहर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह किला सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों इस प्याली को नुष्ट करने की तोफ़ी बख्शे आमीन या आम आलमी तो चलिए इस सूरत की तफसीर की तरफ आगे बढ़ते हैं रहीम इन्ना बसम कल कोबीसम हमने आपको कौसर अता किया है हमने आपको कौसर अता किया है तो आप को दुनिया ही में ये खुशखबरी दे दी गई कि आपको हम कौसर देंगे इसके दो माने। पहला माना हम आपको बहुत ज़्यादा देंगे एक माना। दूसरा माना हम आपका हाउस कौसर के पास ठहराएँगे हाउस कौसर ये आपका होगा बाज़ रिवातों से ये भी बात मालूम होती है कि दूसरे इंडिया के उनके भी हाउस होंगे लेकिन सबसे बड़ा हाउस सबसे मीठा हाउस सबसे बेहतरीन हाउस आप साहब का होगा इसमें कोई शक नहीं तो इस इस आयत के दो माने हैं इन नाकई नकल कोसर हम आपको कौसर देंगे पहला माना हम आपको बहुत ज़्यादा देंगे नियमतें अनगिनत अहम आपको देने वाले हैं बहुत कुछ आपको मिलने वाला है एक माना दूसरा माना हम आपको हौद कौसर देंगे जिसके आप मालिक होंगे आप लोगों को इसका पानी पिलाएंगे एक माना इसमें आप सल्लम को तसली दी जा रही है खुशखबरी दी जा रही है चूँकि ये वो ज़माना था मक्के का ज़माना जहाँ पर चारों तरफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सितम और जुल्म लोग कर रहे थे और ऐसे ऐसे लोग जुल्म कर रहे थे बिन बबी मुईद जैसे ऐसे लोग जो आप को खुल्लम खुला गालियाँ बकते थे आप को अजियत देते थे मारने की कोशिश करते थे हर मुमकिन तरीके से आप साम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते थे तो आप काफ़ी उस वक्त परेशान थे तो उस वक्त अल्लाह ने आप को दिलासा दिया तसली दी कहा कि देखिए हम आपको बहुत कुछ देने वाले हैं हम आपको हौज कौसर देने वाले हैं आप जरा बराबर भी फिक्र ना करें डटे रहें बस डटे रहें मैदान में डटे रहें सबर करते रहें अल्लाह सुबहाना तारा सबर करने वालों को पसंद करता है सबर करने वालों का अल्लाह सुबहाना तौला हमेशा साथ देता है हमेशा साथ देता है थोड़ी देर के लिए उन्हें झेलना पड़ता है और उसके बाद फिर उनके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं फसल रब्ब का वनहार जब हमने आपको कौसर दे दिया इतनी बड़ी न्यायत दी अब जब आपके पास नेमत आई है तो उस नेमत का आप कैसे मुकाबला करेंगे कैसे उस नेमत के साथ आप डील करेंगे फसल वनहर। तुम तुम तुम्हारे रब के लिए नमाज पढ़ो और जबाह करो तुम्हारे रब ही के लिए नमाज पढ़ो और तुम्हारे रब ही के लिए जबह करो तो अगर किसी के पास नेमत आती है तो उसे भी यही करना चाहिए अपनी नमाजों में ज्यादातिक करनी चाहिए अगर कोई आदमी Sea, उसके पास कोई नई नियमत आई तो वो नमाज़ों में ज्यादती करें नफिल ज़्यादा पढ़ें जैसे जैसे नियमतें बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे आदमी इबादतों में इजाफा करते जाएगा अल्लाह ऐसे आदमी के अंदर अजीब वरी बरकत होगी अजीब वरी बरकत होगी जैसे आप के साथ हुआ करता था जैसे जैसे एक एक नियमत अल्लाह ने आप सला को दिया आप एक एक इबादतें एक एक इबादते, कस्म की इबादतें करते जाते करते जाते करते जाते इससे वो चीज़ वो नमत उनके पास बाकी रहती है और उसकी बरकत से उन्हें और दूसरों को भी फायदा पहुंचता है फसल लेलिए अल्लाह ही के लिए तुम्हारे रब ही के लिए नमाज पढ़ें तुम्हारे रब ही के लिए नमाज पढ़ें किसी और को शामिल ना करें इन लोगों की बातें ना सुने ये बहकावे की बातें ना सुने ये गैर जरूरी बकवास ना सुने आप नमाज अल्लाह ही के लिए पढ़ें इतमीनान के साथ नमाज़ पढ़ें देखिए अजीज़ दोस्तों किस वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म हो रहा है जब चारों तरफ जुल्म सितम जुल्मरफियाँ हमला नुकसान कतल ये हो रहा है और आप आपसे नहीं कहा गया कि आप चलें आप लड़े नहीं कहा गया कि नहीं इबादत करो इबादत में तुम्हारे लिए वो चीज़ें मिलने वाली हैं जिनसे तुम्हें आगे चल के फ़ायदा होने वाला है तो यहीं से अपने आप को अंदर से आप स्ट्रांग हो जाएँ अंदर से अल्लाह के जो तल्लुत हैं इसे मजबूत कर लें है ना कहीं पर भी आपका पैर फिसल ना जाए ये बहुत ज़रूरी अजीज़ दोस्तों हम आज कितने मोहताज हैं कि हमारे तल्लु अल्लाह से मजबूत हो जाएँ जिसके तल्लत अल्लाह से मजबूत हो जाएं अल्लाह की मदद उसे ज़रूर आती है चाहे मामला कैसा भी क्यों ना हो कितना ही संगीन क्यों ना हो कैसी कुछ परेशानी क्यों ना हो जितना आदमी अल्लाह के करीब होता है जितना अल्लाह ही को पुकारता है जितना अल्लाह के यहाँ गिड़ जाता है रोता है अल्लाह सुबहाना तैाली इसे कभी भी नहीं छोड़ता कभी नहीं छोड़ता इसीलिए हम अनबिया की ज़िंदगी आप पढ़ते जाइए कुरान के अंदर अल्लाह सुबहाना तैाली उनकी ही तारीफ़ करता है कि ये अल्लाह की तरफ़ रुजू करते थे अल्लाह ही के होकर रहते थे दुनिया के किसी दूसरे की ताकत की तरफ हाथ फैलाना इन्हें आता ही नहीं था तो ऐसे मौके पर तसली दी गई और कहा गया कि नमाज अल्लाह के लिए पढ़ो वनहर और जबाह भी अल्लाह के लिए करो नहरा या नहर। कहते हैं जबाह करने को तो, तो यानी नमाज और कुर्बानी इसी बात को एक दूसरे हाथ में कहा गया इन बिला शुबा मेरी नमाज और मेरा जबाह करना मेरी कुर्बानी मेरा जीना व मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है लजीज़ तो दोस्तों नमाज़ और क़ुरबानी नमाज और कुर्बानी नमाज और कुर्बानी को यहाँ पर जोड़ा गया है क्योंकि नमाज़ दिली कुर्बानी है और कुर्बानी ज़ाहिर कुर्बानी है यानी दोनों अतबार से आपको कुर्बानी देना है दोनों अतबार से अल्लाह सुबहान कुर्बानी अच्छा पसंद करता है यानी आपने अपनी पसंदीदा चीज़ों को अल्लाह के लिए छोड़ा है तो अल्लाह आप ही का होकर रहता है अल्लाह आपके हर मामला में मदद करता है वन हार यहाँ पर ख़ास तौर पर जबाह करने की बात इसलिए आई कि उस ज़माने में ये जो मशरिकीन थे वो ज़बाह हर किसी के लिए करते थे मनात के लिए अज्जा के लिए जानवरों को लाते और उसके बाद किसी एक बुत का नाम लेते और उसे रिहा कर देते वो घूमते रहता है और उसे ज़बह करते गैर-अल्लाह के नाम में ज़बह करना ये इन चीज़ इनके पास आम था इसीलिए क़ुरान ने हराम करार दिया कि गैरुल्लह पर ज़बह करना ये हराम है्रमाकमर उमी ग खून सुअर का गोश्त और उसके बाद मै जमूँ और उसके बाद मुर्दार और उसके बाद गैरुल्लाह पर ज़बह किया हुआ गैरुल्ला के यहाँ कुर्बानी दी हुई चीज़ हराम है इस्लाम में आपको अगर कोई जबीहा हलाल होना है तो उस पर अल्लाह ही का नाम हो किसी दूसरे का नाम हो तो हराम है चाहे वो शख्स जिसका नाम लिया गया वो कोई दूसरा हो वह हो सकता है कि मलक मकरब हो या फिर नबी मुरसल हो यानी कोई जो है अल्लाह का करीब तरीन फरिश्ता ही क्यों ना हो क़रीब तरीन नबी ही क्यों ना हो किसी का नाम नहीं नाम लिया जाएगा तो सिर्फ़ अल्लाह ही का लिया जाएगा किसी और के नाम से ज़बह करना जायज़ नहीं ये मुशरकिन के पास आम था इसलिए आप साम से कहा गया कि देखें ये जो कुरेष का तरीक़ा है इस पर ना चलें ये शर्क का तरीक़ा है ये तरीका तुम्हारा हो नहीं सकता तुम्हारा तरीक़ा सिर्फ़ अल्लाह ही के यहाँ ये ज़बीआहा भी अल्लाह ही के लिए इसीलिए आपने कह दिया कि जहाँ गैरुल्ला के लिए जो ज़बीह हो रहा है वहाँ पर तुम जाके अल्लाह के लिए भी ज़बह मत करो उस जगह पर ज़बह मत करो ये का हुक्म था ताकि ख़लत मलत ना हो जाए मिक्सेशन ना हो जाए और तीसरी आयत में कहा गया इन शानी अकाबर शन आशन कहते हैं हसद करने को शानी हसद करने वाला बिला शुबा तुम्हारा हसद करने वाला वो जड़ कटा है तुम्हारा हसद करने वाला जड़ कटा है अजीज दोस्तों इस सूरत की ही आयतें हैं और कुरान के अंदर सबसे छोटी सूरत मानी गई पूरे कुरान के अंदर सबसे छोटी सूरत सूरत कौसर और सबसे बड़ी सूरत बकरा तीन ही आयतों पर यह सूरत मुश्तमिल है मुख्तसर सूरत है और ऐ, ऐसी ज़बरदस्त आयतें हैं कि अल्लाह और इन आयतों को देखकर कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया क्योंकि इसके अंदर जो बलागत फसाहत है वो इंसान नहीं पैदा कर सकता इन नशा अबतर अकाहबूतर बिलाशुबा तुम पर हसद करने वाला वो जड़कटा है इस तल्लुक से कहते हैं कि एक साहब थे जिनका नाम उकबा बिन नबी मुईद और बास कहते हैं कि शरीक बिन अहनफ ये मुश्किन थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह के तानो तशनी का हदफ बनाते आप साम की शख्सियत में कीचड़ उछालने की कोशिश करते कि तुम्हारे यहाँ कोई लड़का नहीं है तुम्हारे यहाँ सिर्फ लड़कियाँ हैं तुम्हारा कोई लड़का नहीं है माना एक तुम चले जाओगे तो तुम्हारा कोई नस्ल तुम्हारी कोई नस्ल नहीं चलेगी तुम चले जाओगे तो मामला ख़त्म यानी यह कह के आप साम को ठेस पहुँचाने की कोशिश करते थे यानी आपके बाद आपका आपका मामला ख़त्म आपके बाद आपकी छोड़ी हुई चीज़ ख़त्म हो जाएगी कोई आपकी चीज़ को लेकर नहीं जाएगा क्योंकि तुम्हारे यहाँ बेटे नहीं हैं लड़के नहीं और मुशरिक के यहाँ उन, उनके पास सबके पास बेटे हैं लड़के हैं तो वो ये लेकर आप सल्लम को सताने और परेशान करने की कोशिश करते थे तो अल्लाह ने आप सल्लम से कह दिया कि ये जो आपको देख कर हसद करते हैं ये जो बात जो भी बातें हो रही हैं आपसे हसद की वजह से जान रखें कि जो तुमसे हसद कर रहा है वही जड़ कटा है क्या मतलब जड़ कटा यानी इसकी की नस्ल नहीं चलेगी इसी की नस्ल ख़त्म होने वाली है जो चीज़ लेकर आप पर ये तोहमत कसते हैं कि आप की कोई नस्ल नहीं चलने वाली है आप जड़ कटे हैं आप चले जाएंगे तो मामला ख़त्म हो जाएगा नहीं आप जड़ कटे नहीं हैं ये जड़ कटे हैं आपके यहाँ लड़के नहीं तो क्या ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी दीन को क़ियामत तक के लिए रखेंगे साहब आएंगे ये लड़के तो दस बारह होते हैं आप जितने भी हो जाए लेकिन तुम्हारे पास जब तुम इस दुनिया छोड़कर जाओगे तो एक लाख चौबीस हजार सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हारे दिन के लिए कट मरने के लिए तैयार होगी तो तुम जड़ कटे नहीं हो तुम्हारी बात हमेशा याद रखी जाएगी तुम क्यामत तक लोग तुम्हारी याद करेंगे तुम जड़ कटे नहीं हो बल्कि ये जड़ कटे हैं सुबह अल्लाह तारीख ने इसे कितना बेहतरीन अंदाज से साबित किया जीरो दोस्तों ये जकबा बिन गरी थे जितने भी मशरकिन थे ये सब बदर के मैदान में मार खा गए ख़त्म हो गए और इनकी औलाद पूरी की पूरी मुसलमान हो गई और कई की औलाद ख़त्म हो गई अब इनका कोई नाम व निशान नहीं अब अरब में कोई ही भी ये कहना पसंद नहीं करता कि मैं अबू जहल का खानदान कहूँ मैं शराख का, का हूँ मैं मैं, मैं फलांक के ख़ानदान का कोई कहना भी पसंद नहीं करता अगर कोई ऐसा भी है तो वो अपने ख़ानदान का नाम बताना भी पसंद नहीं करता क्योंकि क्योंकि इन पर अल्लाह की जो है लानत है ये जड़ कटे हैं इनकी बात नहीं चलने वाली है तो ये अजीज़ दोस्तों अब तर का माना यहीं पर ये सूरत ख़त्म होती है हम भी अपनी बात यहीं पर ख़त्म करते हैं इन आइंदा मजलिस में फिर सूरतों को लेकर हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए व अला आलिही व महमद वाली वबी अजमाइन वसलम आलकम वरहि वर्काता